आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके साथ त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। भाजपा सरकार ने प्रदेश के साथ साथ हर जनपद में भाजपा के हाईटेक कार्यालय का सपना पूरा करने की दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रानीडीहा स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया और बागपत में भी भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया। इसी के साथ अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर जिले में भी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किए हैं। यहीं से 7 जिलों का वर्चुअल वीडियो के जरिए शुभारंभ हुआ है। और आपको बता दें कि उनके साथ ही जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पे मौजूद रहे हैं। अभी आपको बताया कि कुछ ही देर पहले यहां से वर्चुअल रूप से ओपनिंग करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हुए हैं। उनके साथ जेपी नड्डा भी थे, स्वतंत्र देव सिंह भी थे, तो सुनील बंसल भी थे। ऐसे में पूरी तरह से देखा जा सकता है कि इस बार के चुनाव का 2024 का केंद्र बिंदु गोरखपुर और भाजपा कार्यालय होगा। गोरखपुर से प्राइम टीवी के हिमांशु श्रीवास्तव। अयोध्या में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान चुनावी मोड में नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चलिए। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 75+ सांसद को सदन भेजना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, मोदी जी पर जो भरोसा है, उस भरोसे के लायक क्या कोई देश में कोई हमारे माननीय मोदी जी के टक्कर का कोई दूसरा नेता है क्या? इसीलिए मैं कहा कि अपना विश्वास करो तुम मोदी पर। या नवयुग का निर्माता ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। वो आए हैं कि देश को दुनिया में उस स्थान, उस गौरवशाली प्रभावशाली भूमिका में लाने के लिए जिसे विश्व गुरु कहते हैं, और वह बनाने का जिम्मेदारी किसकी है? हम सब कार्यकर्ताओं, चाहे मंच पे बैठे हो चाहे मंच के सामने बैठे हो। खबर अलीगढ़ से, जहां बीते 2 दिनों में एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें लिखा था भाजपा नेत्री द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में 10 मई के दिन जुमे के को भारत बंद किया जाएगा। वहीं पूरे मामले पर शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने एक पत्र जारी किया और भारत बंद के वायरल मैसेज का खंडन किया। जानकारी देते हुए शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने बताया कि बीते 2 दिनों में एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें लिखा कि 10 मई के दिन भारत बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और न ही भारत बंद का कोई आह्वान किया गया है। भारत बंद नहीं बल्कि वो एक मखसूस शहर का वाकई है। मेरे पास इतलाई थी और चूँकि अलीगढ़ का कोई शो नहीं था इसलिए मैं खामोश रहा। मैं यह अपील जारी कर चुका हूँ जो अखबारत में इंशाल्लाह कल आ जाएगी। अलीगढ़ में अपील भारत बंद की कोई नहीं थी, न अलीगढ़ में और न अलीगढ़ के कहीं बाहर। लिहाजा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कोई अपील नहीं है। कल बाजार खुलेंगे, दुकानें खोली जाएंगी। यूपी के बलिया में पुलिस ने एक हिंदुवादी नेता को सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हिंदुवादी नेता का नाम पुष्कर राय मोनू है। गिरफ्तार पुष्कर राय सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कड़ौदा गांव का रहने वाला है। पुष्कर राय मोनू ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है जो कमलेश तिवारी ने और नूपुर शर्मा ने बोला है वह 100% सही है। साथ ही मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी भी की है जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सुल्तानपुर में परिवहन विभाग के सख्त हिदायत के बाद भी वाहनों के फिटनेस को लेकर सचेत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग जहां एक तरफ स्कूल वाहनों के फिटनेस और बच्चों की सुरक्षा को लेकर तरफ फिक्रमंद है, वहीं स्कूल प्रबंधन का भी फिटनेस को लेकर अनजान बना हुआ है। जबकि परिवहन विभाग की तरफ से बकायदा 303 स्कूल प्रबंधन को फिटनेस को लेकर नोटिस जारी की गई थी। आप मान के चलिए कि 1045 बसें हैं, वाहन स्कूली वाहन हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, जिसमें वैन और बस दोनों शामिल हैं, जिसमें से 330 लोग अभी वाहन का फिटनेस नहीं कराए नोटिस देने के बाद भी। उसमें से हमने 330 के ही सारे के सारे के रजिस्ट्रेशन को निलंबित कर दिया है, क्रिमिनल दे चुके हैं, और अगर निर्धारित अवधि के अंदर नहीं आएंगे तो ये निलंबन निरस्तीकरण में बदल जाएगा। खबर कौशाम्बी से है, जहां गोराजू गांव में कूड़े के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया जिसमें 7 मवेशी और आधे दर्जन घर समेत लाखों की गृहस्थी को जलाकर राख कर दिया। और भीषण आग में 3 लोग झुलस गए जिन्हें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए। लखीमपुर से सामने आ रही है, लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के अधिवक्ता और भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह ने परिजनों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई भद्रता के खिलाफ अधिवक्ताओं में जमकर आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पलिया बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने एक बैठक करते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर SDM डॉक्टर अमरेश कुमार और तहसीलदार आशीष कुमार सिंह पहुंचे, जिन्होंने अधिवक्ताओं को समझा बुझा कर शांत कराया। आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोग मीडिया के लोग हैं, यहाँ पर 10,000 एकड़ वन भूमि और लोग जो है 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 एकड़ जोत करके जो है अपना घर मकान और खेती कर रहे हैं, वहाँ इनको नहीं दिखा। वो केवल 3 फीट के लिए, केवल 3 फीट का इशू बना करके वो हमारी दीवार गिरा दी और ये कहा कि ये भाजपा के नेता हैं, वकील भी हैं, और इनका दीवार गिरेगा तो मैसेज अच्छा जाएगा। ये क्या मतलब है, आप मैसेज अच्छा भेजने के लिए हमारी दीवार गिरा रहे हैं? चलिए कोई इशू नहीं है, हम 3 फीट के जगह पर हम 10 फीट छोड़ देंगे, आज जो चले वो कह देंगे 10 फीट है, मैं 10 फीट तक अभी छोड़ने को तैयार हूँ। मदावी में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां तमंचे के बल पर युवक ने विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वह आरोपी युवक के खिलाफ पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। 11 बजे उसने मेरे सीने पर चमन का धर दिया, मेरे लड़के का मुझे मारने से दिया, फिर बाद आदमी उसने मेरी जब डरती गई मुझसे क्या किया शहर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। हरदोई के पाली कस्बे में फेसबुक पर भड़काऊ टिप्पणी के विरोध में एक समुदाय के लोग उग्र होकर थाने का घेराव करने पहुंच गए, जबकि माहौल खराब करने का कोशिश करने पर पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। जबकि दोनों ओर से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मोहल्ला मलिकाना निवासी अमिल मलिक अजहरुद्दीन नियाजी ने नुपुर शर्मा को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे हिंसा भड़कने की संभावना थी, जबकि दूसरे पक्ष के मंजेश सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी फेसबुक पर की है। इस मामले पर पाली थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है और शांति भंग में एक युवक का चालान किया गया है। भाजपा नेता फॉर्चूनर की गाड़ी थी, जो हल्की टच हो जाने के बाद उन्होंने तुरंत ही तो गाड़ी से निकले, राइफल लेके गाली फकड़ी करने लगे। उसके बाद हम लोग जब डर गए, लड़कियां पीछे बैठी थी, लेडीजें पीछे बैठी थी, उन लोगों ने हम लोगों को रपटाया, पीछा किया, फिर आगे गाड़ी लगा के हमारा गाड़ी रोक दिया, फिर सीधे राइफल से आके पुलिस गार्ड पुलिस उसके मेन था, वो सीधे आके गाड़ी पे शीशा पे राइफल अपना मारा, जो हम लोगों के यहाँ पे लगा, ड्राइवर का पूरा चेहरा शीशा लगा हुआ है और सब चोट हुआ है। उसके बाद गाली का है कि गाली देते हुए बोले कि गोली मार देने का आदेश है, हम गोली मार देंगे।
तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजोतरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।